दोस्तों, अगर आपको टेलीप्राइम में एडवांस रिसिप्ट की इंट्रीज को पास करना है तो ये आप कैसे करेंगे? पहले जान लीजिए क्या होता है एडवांस रिसिप्ट, इसके बाद हम देखते हैं टेलीप्राइम में हम एडवांस रिसिप्ट की इंट्रीज को करते कैसे हैं। मान लीजिए आपका कस्टमर आपको कुछ एडवांस में पैसे देता है और ऑर्डर प्लेस करता है। हालांकि वो परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर अलग चीज़ है, यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। मान लीजिए आपके कस्टमर ने आपको 20,000 रुपये दिए और उसने आपसे कहा कि वो जब भी वो माल लेगा आपसे, जब वो माल डिलीवर करेंगे आप उसके पास, तो ये जो 20,000 रुपये हैं ये उसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए। निमाल अगर मान लीजिए कल को आप उसको बेचते हैं 50,000 रुपये का और प्लस जो टैक्सेस होंगे वो, तो उस 50,000 प्लस टैक्सेस में से ये 20,000 रुपये जो आपको अभी वो एडवांस में दे रहा है ये बाद में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब चूंकि अभी आपने माल उसको दिया नहीं है और आपको पैसे वो एडवांस में दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं एडवांस रिसिप्ट। इंट्रियाँ कैसे करते हैं? आमतौर पर रिसिप्ट की इंट्रीज को लिए हमें जाना होता है वाउचर्स पे, और वाउचर्स पे जाने के बाद हम रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करते हैं। परंतु अगर आप रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप पैसा रिसीव तो कर रहे हैं लेकिन वो एडवांस है, अभी आपने उसका माल डिलीवर नहीं किया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम रिसिप्ट वाउचर पे ही जाएंगे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट वैसे आइटम्स वगैरह थे वो मैं बना चुका हूँ, क्योंकि ये क्लास आइटम्स को लेकर नहीं है कि मैं शुरुआत से आपको आइटम्स बनाना बताऊँ, इस पे ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लासेस बना चुका हूँ। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लेजर्स थे वो मैंने बना लिए थे, हालांकि कुछ लेजर्स मैं काम करते करते बनाऊंगा। तो यहाँ से एडवांस रिसिप्ट के लिए आप सबसे पहले जो स्क्रीन पे आएंगे टेलीप्राइम में, इसके बाद आप यहीं पे देखेंगे आपको स्टेट एडजस्टमेंट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला है एडवांस रिसिप्ट का और दूसरा है रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट। तो मैं तो फिलहाल रिफंड नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, मैं मतलब रिफंड नहीं ले रहा हूँ। मैं फिलहाल क्या करने वाला हूँ, मैं पैसे एडवांस में रिसीव कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं एडवांस रिसिप्ट सेलेक्ट करूँगा। और अब आप किस पार्टी से पैसे एडवांस में रिसीव कर रहे हो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं एक नया लेजर बनाऊँगा आपको दिखाने के लिए, मैंने यहाँ से ऑल्ट एंड सी प्रेस किया और मान लीजिए मैं बना लेता हूँ रोहन फॉर एडवांस। अब मैंने इसका नाम एडवांस रिसिप्ट इसलिए दिया है ताकि बाद में हम इस लेजर को पहचानने में हमें आसानी रहे। मैं यहाँ से इंटर करूँगा, इसको संडे डेफ्टर रखूँगा। अब एक चीज़ आप यहाँ साइड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश इनका स्टेट है, तो जब इनके साथ जो भी हमारा लेन देन होगा उसमें सी और SGST कैलकुलेट होगा, क्योंकि सेम स्टेट ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं उनमें सी और SGST ही यूज़ किया जाता है। हमने कंट्रोल करके इसको सेव करा दिया। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी एडवांस रिसिप्ट को लेकर के, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक साइड पर कुछ लेजर्स दिखाई देते हैं। अब सवाल ये आता है, जो आपने पैसे रिसीव कर रहे हैं आप, क्या वो किसी लेबर लेजर के अगेंस्ट है या फिर आइटम के अगेंस्ट? मतलब जो आप पैसे एडवांस रिसीव कर रहे हैं, क्या आगे चल के आप उसके बदले कोई सामान देने वाले हैं या कोई सर्विस देने वाले हैं? मेरे केस में सामान देने वाला हूं, तो मैं यहां से नीचे शो स्टॉक आइटम पे क्लिक करूंगा। जैसे हम स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने आइटम्स बनाए थे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे जो पहले से बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें वो आइटम नहीं है तो आप चाहे तो क्रिएट पे जाकर आप वो आइटम बना सकते हैं। मेरे केस में मैं इसी के लिए ले रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने एसी सीमेंट सेलेक्ट किया और सामने वाली पार्टी ने हमें 20,000 रुपये दिए, तो अगर वो टोटल 20,000 रुपये देता है तो उसमें जो टैक्सेबल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 15,625 रुपये। इस पर CGST लगेगा 2187 रुपये और SGST लगा 2187 रुपये। तो टोटल भले ही उसने मुझे 20,000 रुपये दिए, लेकिन उसमें जो मेरे पास का व्यक्तिगत पैसा था वो था आपका 15,625 और बाकी का जो पैसा था 2187 वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जाएगा टैक्स के रूप में। मैं और भी कुछ आइटम अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर ले, उसके अगेंस्ट भी आप पैसे ले सकते हैं। मेरे केस में मैं सिर्फ ACC सीमेंट के अगेंस्ट पैसे ले रहा हूँ। मैं इंटर करके आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि भाई जो आप पैसे ले रहे हैं वो किस चीज़ को लेकर के हैं? पैसे आप एडवांस में ले रहे हैं या फिर कोई माल आपने पहले लिया था उसके बदले आप पैसे ले रहे हैं या फिर एक नया खाता आप यहाँ से चालू करेंगे? मैं तो फिलहाल एडवांस पे ले रहा हूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब आप पैसे किस माध्यम से ले रहे हैं? आपके पास जो पैसा आएगा वो कैश के रूप में, बैंक के रूप में, किस रूप में आएगा? मान लेता हूँ मैं कैश के रूप में मेरे पास पैसा आ रहा है और मैंने यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव किया। तो अभी आपने क्या देखा कि हमने रोहन से सीमेंट को लेकर के एडवांस में 20,000 रुपये प्राप्त किए हैं। अभी अगर मैं यहाँ से, अब मान लीजिए मैं माल उसको बेचता हूँ, सील करता हूँ, तो ये जो पैसे थे 20,000 रुपये, क्या ये उसमें एडजस्ट होंगे? और एडजस्ट होंगे तो किस तरीके से होंगे? तो बेचता हूँ अगर मैं माल, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, फाइन। अब मैं किसको माल बेच रहा हूँ? तो रोहन को ही, जिससे मैंने पैसे एडवांस लिए थे।
मैं यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ने के बाद सेल सेलेक्ट करूंगा और मान लीजिए मैं ऐसी सीमेंट के अगेंस्ट पैसे लिए थे तो मैं ऐसी सीमेंट ही सेलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ से 100 बोरियां बेचूंगा या मान लीजिए मैं यहाँ से 500 बोरियां बेच रहा हूँ, सॉरी ज़्यादा हो गया, 500 था, सॉरी फिर से 5000 डाल दिया ये, तो ये आपका 170000 रुपये टोटल हो गया जाकर। अब इसमें से अगर हम टैक्स को एडजस्ट करें, एक बार और इंटरप्रेस करेंगे और हम यहाँ से CGST आउटपुट CGST यहाँ से हम ये डालेंगे, इंटर कर दिया, तो ये टोटल 23800 रुपये ये हो गया आपका। और एक बार इंटरप्रेस कर दीजिए, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से SGST लगाना है, तो फिर से मैंने एस दबाया और यहाँ से मैं आउटपुट SGST सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपने देखा क्या, तो टोटल बिल बना जाकर वो 217600 रुपये का बना, जिसमें से टैक्सेबल अमाउंट था 170000 रुपये और बाकी का जो है 23800 केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टैक्स है। अब आपको ध्यान होगा तो हमने इससे पहले 20000 रुपये से लिए हुए थे, तो अगर वो 20000 रुपये इसमें एडजस्ट होते तो हमारे जो हमें अब वो देता तकरीबन 197000 रुपये के आसपास देता। देखते हैं क्या, अगर हम बिल्स रिसीवेबल चेक करते हैं, मैं यहाँ से अगर इस एंट्री को पास करता हूँ, सेव कर दिया। अब अगर हमें ये देखना है कि रोहन के साथ हमारा कितना लेन देन बाकी है, क्योंकि अगर वो लेन देन में हमारा जो पुराना वाला पैसा है एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कैसे दिखता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास कई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये है कि आप Alt G प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सीधे यहीं से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए एंड देन यहाँ से आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाइए। आउटस्टैंडिंग में अब आप देखिए जो पैसे आपको मिलने वाले हैं वो बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं, और जो पैसे आपको देने हैं उनको हम बिल्स पेबल कहते हैं। तो अगर हम बात पार्टी की करेंगे तो मुझे उससे पैसे लेने हैं 20000 रुपये काट के, तो लेने हैं तो मतलब रिसीवेबल पे चला जाऊंगा। अब रिसीवेबल में जाके देख लीजिए, यहाँ पर 197600 रुपये आपको दिखा रहा है कि आपको रोहन से लेने हैं। क्यों लेने हैं, एंटर कर दीजिए। आपसे बता रहा है भाई देखिए आपके साथ रोहन के साथ सीन क्या हुआ है, पहले रिसीव किए गए थे 20000 रुपये, ठीक है, इसके बाद माल बेचा गया है 217600 रुपये का, 340 रुपये पर बोरी के हिसाब से आपने 500 बोरियां सीमेंट उसको बेची है, तो 217600 रुपये में से 20000 रुपये माइनस किया जाएगा तो बचेगा आपका 197600 रुपये। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको टैली प्राइम में एडवांस रिसिप्ट की डीज को पास करना है तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए, टैली प्राइम सीखते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।